इंडियन कार मार्केट में सबसे ज्यादा कम बिकने वाली गाड़ियां या तो प्रीमियम होती हैं या फिर महंगी गाड़ियां होती हैं, क्योंकि इनकी प्राइस ज्यादा होती है इसलिए इनकी सेल भी काफी कम होती है। लेकिन हमारी इस लिस्ट में कुछ बजट सेगमेंट की गाड़ियां भी हैं जो बजट सेगमेंट में अच्छे प्राइस के साथ साथ अच्छा फीचर भी ऑफर करती हैं, लेकिन कंपटीशन के दौर में इनकी दाल नहीं गल रही है। मैं हूं आपका दोस्त अजय आर्या, आप देख रहे हैं आर्या ऑटो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में, 12 लिस्ट सेलिंग कार इन इंडिया इन 2024। तो अगर आपको भी कार ब्लॉग, कार न्यूज और अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों साथ शेयर कीजिए। हर बार की तरह इस बार भी 12th पोजीशन पर आई है जीप की मेरिडियन, जिसकी 188 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। जीप मेरिडियन 7 सीटर वाली एक प्रीमियम फीचर वाली एसयूवी कार है। अभी हाल ही में जीप ने अपनी इस गाड़ी में नए अपडेट दिए हैं, इसमें एक न्यू 5 सीटर वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बात करें इसके स्टार्टिंग प्राइस की तो उसकी प्राइस शुरू होती है 24 लाख से, जो 38 लाख रुपए तक जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th पोजीशन की। तो 11th पोजीशन यहां पर टाई अप हुआ है MG ग्लोस्टर और कैमरी के बीच में। इन दोनों गाड़ियों ने अपने एग्जैक्ट 176 यूनिट बेचे हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। बात करें MG ग्लोस्टर की तो ये प्रीमियम 7 सीटर कार है जो काफी शानदार और प्रीमियम फीचर के साथ आती है, और ये गाड़ी राइवल करती है फॉर्च्यूनर को। बात करें इस गाड़ी के प्राइस रेंज की तो लगभग 38 लाख रुपए शुरू होती है और 43 लाख तक जाती है। अब अगर बात करें कैमरी की तो ये एक लग्जरी सेडान है जिसमें आपको काफी लग्जरी प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके प्राइस की तो ये लगभग 46 लाख रुपए शुरू होती है। 10th पोजीशन पर आई है हुंडई टुसॉन, जिसकी 141 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। यह एक प्रीमियम एसयूवी कार है जो पेट्रोल के साथ साथ डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन में अवेलेबल है। बात करें इसके प्राइस रेंज की तो यह लगभग 29 लाख रुपए शुरू होती है और 35 लाख तक जाती है। 9th पोजीशन पर आ गिरी है सिट्रॉन की एयर क्रॉस, जिसकी 103 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। दोस्तों इस गाड़ी का पहले नाम C3 एयर क्रॉस हुआ करता था, जिसको अब कंपनी ने बदल करके सिर्फ एयर क्रॉस कर दिया है। इसमें अभी एक्सप्लोरर करके एक न्यू एडिशन लॉन्च किया गया है। इसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये गाड़ी काफी शानदार बजट प्राइस रेंज में आती है, जिसकी प्राइस शुरू होती है 8 लाख रुपए से और 14 लाख तक जाती है। इस प्राइस रेंज में आने के बावजूद भी इस गाड़ी की सेल्स काफी कम होती है, क्योंकि मार्केट में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ये गाड़ी आपको 5 और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। 8th पोजीशन पर आई है सिट्रॉन की एक और गाड़ी EC3, जिसकी 89 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। सिट्रॉन की तरफ से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसकी रेंज लगभग 320 किलोमीटर की है। ये गाड़ी भी अपने बजट प्राइस रेंज के लिए जानी जाती है। बात करें इसके प्राइस रेंज की तो जो 12 लाख रुपए शुरू होती है और लगभग 13.5 लाख तक जाती है। अब आगे बढ़ते हैं तो 7th पोजीशन पर चल के आई है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 79 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। फॉक्सवैगन की तरफ से ये प्रीमियम एसयूवी कार है। इसमें आपको काफी लग्जरियस फीचर देखने को मिल जाएंगे। ये गाड़ी आपको 4x4 यानी ऑल व्हील ड्राइव में अवेलेबल है, लेकिन इसे काफी लिमिटेड गाड़ियां ही बिक पाती हैं। बात करें इसके प्राइस की तो यह लगभग 35 लाख रुपए शुरू होती है। 6th पोजीशन पर आई है किया EV6, जिसकी 50 यानी 50 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। किया की तरफ से एक पावरफुल सुपर इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी रेंज लगभग 760 किलोमीटर तक है। बात करें इसके प्राइस की तो 60 लाख रुपए शुरू होती है और 65 लाख रुपए तक जाती है। जल्द ही मार्केट में आपको इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफी बड़े बदलाव किए गए हैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में। 5th पोजीशन पर चल के आई है महिंद्रा की मराजो, जिसकी 37 यूनिट 37 गाड़ियां बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। महिंद्रा की तरफ से एक बजट सेगमेंट की 7 सीटर कार है, जिसमें आपको 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा। ये गाड़ी आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगी। बात करें इसके प्राइस रेंज की तो ये 14 लाख रुपए शुरू होती है और 17 लाख रुपए तक जाती है। 4th पोजीशन पर चल के आई है हुंडई की आयोनिक, जिसकी 32 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। हुंडई की तरफ से एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी 631 किलोमीटर की रेंज है। बात करें इसके प्राइस की तो ये लगभग 46 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है। 3rd नंबर पर चल के आई है स्कोडा की सुपर्ब, जिसकी 20 यूनिट बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। इस गाड़ी को रिबैच करके इंडिया में रीलॉन्च किया गया था, जिससे इसकी प्राइस भी बढ़ गई है। इसमें आपको 2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके प्राइस की तो ये लगभग 54 लाख रुपए में देखने को मिल जाएगी। 2nd पोजीशन पर आई है सिट्रॉन की C5 एयर क्रॉस, जिसकी 4 यूनिट 4 गाड़ियां बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। ये एक सिट्रॉन की तरफ से 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी कार है। इस गाड़ी का इंटीरियर और लुक काफी शानदार देखने को मिलता है, जो आपको 40 लाख की प्राइस पर अवेलेबल है। सिट्रॉन की तरफ से अभी अपने C5 एयर क्रॉस पे अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल जाएगा। सिट्रॉन को इंडिया में अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर और थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा गाड़ियां सिट्रॉन की ही हैं, चाहे बात हो सिट्रॉन की प्रीमियम गाड़ियों की या फिर बजट सेगमेंट की गाड़ियां। सिट्रॉन की कोई भी गाड़ी नहीं बिक रही है, जबकि सिट्रॉन की गाड़ियां
अच्छे फीचर के साथ अच्छी प्राइस रेंज पर आती हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में। तो जी हाँ, नंबर वन पोजीशन पर आई है निसान की एक्सट्रेल, जिसकी मात्र दो यूनिट दो गाड़ियां बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। निसान की तरफ से एक 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी कार है, जिसको इंपोर्ट बेसिस पर इंडिया में लॉन्च किया गया था, जिसके कारण इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी ज्यादा है। ये लगभग आपको 50 लाख के एक शोरूम पर देखने को मिल जाएगी। निसान की तरफ से काफी अच्छी और शानदार गाड़ी है, लेकिन इंपोर्ट बेसिस पे लॉन्च होने की वजह से इसकी प्राइस बहुत हाई रहती है, सो दैट इसकी बिक्री काफी कम होती है इंडिया में। तो दोस्तों ये रहा अक्टूबर के महीने की सबसे ज्यादा कम बिकने वाली गाड़ियों का अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए आर्या ऑटो।